क्वेश्चंस। आइए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिवस प्रोफेसर सैमुअल ब्लूमबर्ग के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 28 जुलाई को ही हुआ था, तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने और मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस वायरस बी की खोज की थी। तो इनके खोज के जो है कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी इनको बाद में प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को ये मनाया जाता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम रही है हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। यहाँ पर एक बात और देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष करीब 9 लाख व्यक्ति हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमण से मर जाते हैं। तो इस प्रकार से हेपेटाइटिस को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और हेपेटाइटिस दिवस जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो है ABCD हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और DE शामिल हैं। तो हेपेटाइटिस बी की खोज इन्होंने की थी, जिनका नाम है प्रोफेसर बारूद सैमुअल ब्लूमबर्ग। इन्हीं के जन्म दिवस जो कि 28 जुलाई को है, इसी के अवसर पर जो है हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और देखिए अगली न्यूज मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने एक विधेयक को जो है मंजूरी प्रदान की है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक एवं अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020। तो इससे जुड़ा हुआ सवाल हम देखेंगे। सवाल क्या है कि 13 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2000 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जाति, यहाँ पर ध्यान रखना है अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, बाकी नहीं, अनुसूचित जनजाति के सभी व्यक्तियों के कब तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसकी तिथि है 15 अगस्त 2020, यानी कि इस विधेयक के मुताबिक 15 अगस्त 2020 तक अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के सभी व्यक्ति, यहाँ पर ध्यान से इसको देखिएगा, MPPSC वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उसको ध्यान से देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति के सभी व्यक्तियों के जो ऋण हैं वो ब्याज सहित 15 अगस्त 2020 तक को माफ़ कर दिए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जो है विधेयक का उद्देश्य क्या है कि आदिवासियों को साहूकारों के चंगल से मुक्त कराना। इस विधेयक के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति के सभी व्यक्तियों के 15 अगस्त 2020 तक के ऋण को माफ़ किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही में एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान करने वाली है कि मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक 2020 के अंतर्गत अन्य वर्गों को भी साहूकारों के चंगल से मुक्त कराने का प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर इस सवाल को और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करें आयोग वाले, कमीशन वाले, MPPSC वाले, तो यहाँ पर इसको पूछा जा सकता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया कैबिनेट के द्वारा, उसको मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें से क्या प्रावधान निहित हैं, किसमें अनुसूचित जाति के लोगों को भी ऋण माफ़ी प्रदान किया गया है या केवल अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऋण माफ़ी प्रदान किया गया है। तो बात अगर केवल किया जाएगी तो केवल को नहीं यहाँ पर शामिल किया गया है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो ऋण माफ़ी है वो 15 अगस्त 2020 है, बाकी इसमें अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगली न्यूज़ G20 को लेकर के है कि G20 डिजिटल इकोनॉमी की मंत्री स्तरीय बैठक 2020 जो कि जुलाई 2020 में संपन्न हुई। यहाँ पर सवाल है कि इस बैठक की जो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी वो जो है इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। यहाँ पर एक बार ध्यान से देखना है कि जुलाई 2020 में G20 इकोनॉमी की मंत्री स्तरीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की मेजबानी में संपन्न हुई। तो इस बार जो है G20 की डिजिटल इकोनॉमी मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जो है, मेजबानी जो है वो किसने किया था, वो किया था सऊदी अरब ने किया था। 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वां एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का विषय क्या रहा, तो इसका विषय रहा है आत्मनिर्भर भारत मिशन। और एक चीज़ यहाँ पर और जानना जरूरी है कि भारत में एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग को 2030 तक $70 अरब तक पहुँचाने का अनुमान है। और नेक्स्ट है कि 24 जून 2020 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने उप ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का नागपुर में शुभारंभ किया। तो कौन सी योजना है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसका शुभारंभ नागपुर में किया। इस योजना के अंतर्गत उन प्रमोटरों को कितनी राशि का गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाएगा जो इक्विटी के रूप में MSME में आगे निवेश करने हेतु बैंकों से कर्ज लेना चाहते हैं। तो ये राशि होगी 20,000 करोड़ रुपए की राशि को जो है अंडर कवर किया जाएगा, जो MSME में आगे चल करके निवेश किया जाएगा। 2020 में किस राज्य में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को
पोषण किट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में प्रत्येक किट की लागत जो होगी वो 500 रुपये होगी। और इस किट में जो है क्या क्या प्रदान किया जाएगा तो वो देख लेते हैं। इस किट में यहाँ पर देख सकते हैं कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मूँगफली, सोयाबीन, मिश्रित दालें, गुड़ और घी जैसे खाद्य सामग्री प्रदान की जाएगी। योजना के तहत प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है तुर्की में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि तुर्की की राजधानी जो है इस्तांबुल, वहाँ पर तुर्की की शीर्ष अदालत ने उसको हागिया सोफिया जो संग्रहालय है उसको मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया है। यानी कि ये पहल जो है वो तुर्की के सुप्रीम कोर्ट की है, ठीक है। उसके बाद में वर्ष 1500 साल पहले एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई गिरजाघर के रूप में इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण बेजेंटाइन साम्राज्य के सम्राट जस्टिनियन प्रथम के काल में 537 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किसके काल में हुआ था? तो जस्टिनियन प्रथम जो बेजेंटाइन साम्राज्य के सम्राट थे उनके काल में इसका निर्माण हुआ था। बाद में 1453 ईस्वी में इसे उस्मानियाई शासकों ने एक मस्जिद में बदल दिया। वर्ष 1934 में तुर्की के आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष शासक जिनका नाम कमाल अतातुर्क है, उन्होंने हागिया सोफिया को संग्रहालय में बदल दिया। मौजूदा समय में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में हागिया सोफिया शामिल है। तो सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट है कि 2 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से औषधि खोज हैकाथन का शुभारंभ किया। इस हैकाथन का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसको CSIR कहा जाता है और किसने संयुक्त रूप से किया, यानी कि औषध खोज हैकाथन में जो है दो संस्थाएं प्रमुख तौर पर शामिल रहीं, जिसमें से एक संस्था का नाम है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और दूसरी संस्था का नाम है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो और दो लोगों ने संयुक्त रूप से इसका जो है शुभारंभ किया, जिसमें से एक हैं रमेश पोखरियाल निशंक और दूसरे डॉक्टर हर्षवर्धन। और अगली न्यूज उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। यहाँ पर हम सवाल को देखने से पहले उससे संबंधित तथ्यों को देखेंगे, जिसमें से पहला है कि जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए ई मैगजीन की अवधारणा लाने हेतु टाटा ट्रस्ट के साथ में करार किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस विभाग की पहल है, तो ये बेसिक शिक्षा विभाग की पहल है। किसके साथ में समझौता हुआ है? टाटा ट्रस्ट के साथ में समझौता हुआ है। बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा वैकल्पिक राज्य बन गया है। यानी कि इस अभियान को शुरू करने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश दूसरा है, राजस्थान पहला है। यह ई मैगजीन सप्ताह में 2 बार छात्रों और शिक्षकों तक पहुँचाई जाएगी। लाइब्रेरी खिड़की नामक इस ई मैगजीन, यानी कि ये जो योजना है, अभियान है, इसका नाम है लाइब्रेरी खिड़की। और ये क्या है? एक ई मैगजीन है। तो इस ई मैगजीन में 3 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों हेतु कविताओं और कहानियों के रूप में सामग्रियां उपलब्ध होंगी। ई लर्निंग सामग्री टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में उपलब्ध होगा, जो बच्चों और माता पिताओं और शिक्षकों को अधिकांशतः सोशल मीडिया प्लेटफार्म और दीक्षा ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगा। ई मैगजीन का पहला संस्करण 30 जून को जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि दीक्षा ऐप जो है इसके माध्यम से भी ये ई मैगजीन उपलब्ध होगी, जिसका नाम है लाइब्रेरी खिड़की। अब आइए इससे जुड़ा हुआ सवाल देखते हैं। सवाल है कि जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए ई मैगजीन की अवधारणा लाने हेतु किसके साथ करार किया है? तो ये करार किया गया है टाटा ट्रस्ट के साथ में। और अगर इस ई मैगजीन का नाम पूछा जाए क्या है, तो इसका नाम है लाइब्रेरी खिड़की। और अगला है कि 6 जुलाई 2020 को किस राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय है हरियाणा सरकार का। और नेक्स्ट है कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर 2019 को वर्ष 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि पेरिस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये स्थित है पेरिस में। और उसके बाद में है कि हाल ही में कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये मनाई गई 26 जुलाई को।
और प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। दरअसल इस 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से अपनी कई ऊंची चौकियों को स्वतंत्र करवा लिया था, तो इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और अगला है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को।